మీరు పక్కన నిజం సార్ तो हम लोग टच में हैं, जो भी हमारे को मटेरियल मिला है इनसे, हम लोग बाकी विक्टिम से भी टच में हैं और इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। कंपनी का नाम क्या था सर, इंश्योरेंस कंपनी? इन लोगों ने कंपनीज के नाम अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसीज है, सबका एक ही पॉलिसी का नहीं है, कोई भी पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज बहुत हैं, तो अलग अलग पॉलिसीज के इनके पास डाटा बेस बहुत ज़्यादा है जी। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। राचाकोंडा पुलिस के साइबर क्राइम सेल की तरफ से एक फेक इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड जो स्कैम है उसके एक गैंग को पकड़ा गया है और इस गैंग को दिल्ली से हमारे लोग अरेस्ट करके लाए हैं। इनका आम जनता को जो है फंसाने का तरीका ये है कि इंश्योरेंस पॉलिसी जो उनकी एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस पॉलिसी है इस जो अभी चल रही है या फिर जो उनके एक्सपायर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके बारे में ये लोग उनको फ़ोन करके जनरल आम जनता को कुछ बेनिफिट्स के बारे में उनको बताते हैं और उनको बोलते हैं कि आपको इस पे अगर आप ये आपका कुछ 50 लाख या 60 लाख इतना अमाउंट आपको मिलेगा बेनिफिट्स के तौर पर, जिसके लिए आपको कुछ अमाउंट जो है पहले से जमा कराना पड़ेगा और वो जमा कराने के लिए वो उनको कुछ बैंक अकाउंट्स भी दे रहे हैं और कुछ अदर नंबर्स वगैरह बता रहे हैं। और इस तरह से जो लोग और इनके नंबर जो है वो इनको वहाँ से इंश्योरेंस ऑफिसेज के दफ्तरों से मिल जाते हैं, नंबर और जनता का नंबर, उनके फ़ोन नंबर, उनके इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर्स। और जो लोग इनके झांसे में आ जाते हैं वो लोग को ये लोग पैसे जमा करवाते हैं और एक बार नहीं उनको बार बार बोलते हैं कि इतने पैसे जमा करिए, और जैसे ही वो पैसे जो है बैंक में जमा होते हैं इमीडिएटली ये लोग उसको ATM से निकाल लेते हैं। तो इस तरह से करके ये लोग पब्लिक को, आम जनता को चीट कर रहे हैं, उनको धोखा दे रहे हैं। और एक बड़ा कॉल सेंटर दिल्ली में मोतीनगर एरिया में ये लोग चला रहे थे जिसमें 24 लोग हमको मिले, जिसमें लड़के भी हैं, लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं। और इनका काम सिर्फ यही है कि लोगों को फ़ोन करके उनको जो है गलत बोल के उनसे पैसे ऐंठना, किसी भी तरह से चीट करके। तो इस सिलसिले में जो है पुलिस के पास, हमारी राचाकोंडा पुलिस के पास जो एक केस आया था जून के महीने में, उसमें जो विक्टिम है उसके 42 लाख रुपए इन्होंने इस तरह से हथिया लिए, 70 लाख का उसको प्रॉमिस करके, और 6 महीने में जनवरी से लेकर के जून तक उसने 42 लाख रुपये डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स में जमा करवाए। तो इस सिलसिले में अब इस गैंग को हमने अरेस्ट किया है, दिल्ली से हमारी टीम इनको पकड़ के लाई है, दिल्ली पुलिस ने भी हेल्प किया। अब इनको जो है आम जनता को यही हमारी रिक्वेस्ट है कि इस तरह के कोई फ़ोन कॉल्स आते हैं तो उसके जो है, या इस तरह के कुछ मेल्स भी आती हैं तो उसको आप रिस्पॉन्ड मत करिए, या उनके उसमें झांसे में उनके बातों में आप मत आइए कि इस तरह का कोई भी इतना बड़ा बेनिफिट या इस तरह का कोई बोनस किसी भी पॉलिसी में नहीं रहता है।
और अगर कोई इस तरह से बोल रहा है तो वो झूठ है, उसको पक्का आप इंश्योरेंस पॉलिसी के ऑफिस से या कहीं से कंफर्म करिए, और अगर कुछ है तो आप पुलिस को इन्फॉर्म करिए और हम लोग केस बुक करके उसमें एक्शन लेंगे। इस सिलसिले में इसी गैंग ने जो है काफ़ी लोगों को ऑलरेडी चीट कर दिया है, तो कुछ केसेस उसमें बुक्ड हैं और कुछ जो है बुक हो जाएंगे या आने वाले समय में हो सकता है नज़र में आए। तो हम लोग टच में हैं, जो भी हमारे को मटेरियल मिला है इनसे, हम लोग बाकी विक्टिम से भी टच में हैं और इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। कंपनी का नाम क्या था सर, इंश्योरेंस कंपनी? इन लोगों ने कंपनीज के नाम अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसीज है, सबका एक ही पॉलिसी का नहीं है, कोई भी पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज बहुत हैं, तो अलग अलग पॉलिसीज के इनके पास डेटाबेस बहुत ज़्यादा है। जी ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।